हाय, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अभी दीपिका और रणवीर की शादी के फंक्शन पूरे भी नहीं हुए, या कहें बस मसा पूरे ही हुए हैं कि बॉलीवुड में एक और शादी आ गई। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा 2 और 3 दिसंबर को अमेरिकी सिंगर निक जोनस के साथ शादी करने जा रही हैं। ये शादी किसी एग्जॉटिक इंटरनेशनल लोकेशन पर नहीं है, बल्कि देसी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। प्रियंका और निक जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में शादी करने जा रहे हैं। हमारे देश में रिवाज है कि शादी से पहले घर को लाइट्स वगैरह से सजाया जाता है। इस रिवाज को फॉलो करते हुए प्रियंका का मुंबई वाला घर भी सजाया जा चुका है। उस सजे हुए घर की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पहले ये फोटो देख लीजिए। अब जानिए कि देसी अंग्रेजी वेडिंग कब, कहां और कैसे होने वाली। सबसे पहले बताते हैं आपको शादी के वेन्यू के बारे में। दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा ने जहां इटली में जाकर शादी की है, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल में भी देसी गर्ल है। उनकी शादी के सारे फंक्शन राजस्थान के जोधपुर में होने वाले हैं, यानी उम्मेद भवन पैलेस और मेहरानगढ़ फोर्ट में। इसके चलते 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये दोनों टूरिस्ट स्पॉट्स पब्लिक के लिए बंद रहेंगे। दूसरी बात, अब मेहंदी रचने वाली, तो बताते हैं कहाँ रचेगी प्रियंका और निक की मेहंदी और संगीत सेरेमनी जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में 29 नवंबर को होनी थी, लेकिन कुछ इशू हो गया सिक्योरिटी का, तो अब ये उम्मेद भवन में होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि संगीत सेरेमनी में हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के गानों पर बराबर धूम मचने वाली है। आजकल के सेलिब्रिटीज़ अपनी शादी का जो संगीत फंक्शन होता है ना, उसके लिए बाकायदा एक कोरियोग्राफर रखते हैं, तो ये बीड़ा, ये जिम्मेदारी गणेश हेगड़े को दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि इस सेरेमनी में निक एक हिंदी गाना गाएंगे, और पता नहीं सेल्फ कंपोज है या क्या, लेकिन बड़ा रोमांटिक लग रहा है। निक ये पूरी परफॉर्मेंस करीब 45 मिनट तक देने वाले हैं। आजकल शादी दो रिवाजों से होने का स्टाइल है भाई। निक और प्रियंका की शादी भी दो स्टाइलों में ही होगी। निक और प्रियंका के जो फ्रेंड्स हैं वो देसी और विदेशी, मतलब दोनों फ्रेंड्स 30 नवंबर को एक कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि वेडिंग कपल की फैमिली के लिए होगी। इस पार्टी के अगले दिन यानी 1 दिसंबर को हल्दी सेरेमनी है, और फिर 2 और 3 दिसंबर को शादी है। शादी दो रीति रिवाजों से होगी, 2 दिसंबर को हिंदू कस्टम, 3 दिसंबर को क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी होगी। अब दीपवीर की शादी की तरह इस शादी में भी फोटोज़ का टंटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रियंका और निक की शादी की फ़ोटोज़ देखने के लिए भी उनके फैंस को उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा जितना कि दीपिका और रणवीर के फैंस को करना पड़ा है। इस शादी में भी सिक्योरिटी बहुत टाइट होने वाली है, फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो पाएंगी। इसका भी खास इंतज़ाम किया गया है कि फ़ोटोज़ किसी भी तरीके से क्लिक ना हो, और इसका पूरा इंतज़ाम है। प्रियंका और निक उम्मेद भवन में हेलीकॉप्टर से पहुँचेंगे। फ़ोटोज़ खींचने पर इतनी पाबंदी इसलिए है क्योंकि निक और प्रियंका ने करीब 18 करोड़ रुपए में एक मैगजीन को अपनी वेडिंग फोटोज की राइट्स बेची हुई है। अब सब्यसाची नहीं बना रहे हैं, डिजाइनर सब्यसाची नहीं है, ये बता देती हूँ मैं। लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि स्टार्स कैसे कपड़े पहनेंगे अपनी शादी पर, है ना, कैसे लगने वाली हैं दुल्हनें। तो मैं आपको बता दूँ, सब्यसाची ने माना कि अनुष्का और दीपिका के कपड़े डिज़ाइन किए हैं उनकी शादियों के, लेकिन इस शादी के कपड़े वो डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। शादी जो हिंदू रीति रिवाज से होगी, उसमें प्रियंका और निक पहनेंगे अटायर जो कि अबू जानी और संदीप खोसला डिज़ाइन करेंगे, और क्रिश्चियन शादी में दूल्हा दुल्हन पहनेंगे राल्फ लॉरेंस की आउटफिट। राल्फ लॉरेन नहीं पता तो गूगल करिए। शादी की रिसेप्शन भी दो ही होंगी। शादी के कुछ दिन बाद पहला ग्रैंड रिसेप्शन दिल्ली में होगा, उसके बाद दूसरा मुंबई। ऑफ कोर्स बॉलीवुड की सारी इंडस्ट्री को जो दिखाना है कि ये है हमारे वो, हालांकि दोनों ही रिसेप्शन की डेट अभी आउट नहीं हुई है। फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट से पता चला है कि प्रियंका और निक अपनी नई लाइफ को शुरू करने से पहले एक छोटी सी पूजा करेंगे, जिसके बाद सारे फंक्शन यानी मेहंदी संगीत का प्रोग्राम आरंभ होगा। अच्छा, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लीजिए। DNA न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी के अरेंजमेंट्स में करीब 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। आए हुए मेहमानों की खाने की प्लेट, एक प्लेट की कीमत 18,000 रुपए है। उम्मेद भवन पैलेस 5 दिन के लिए पूरा का पूरा मेहमानों के लिए बुक्ड रहेगा, जिसकी एक दिन की कीमत करीब 65 लाख रुपए है। वैसे एक बात है कि बॉलीवुड में
इतनी जल्दी जल्दी बैक टू बैक शादियां हो रही हैं कि जिसका मन ना भी होना शादी करने का, वो भी इनकी तस्वीरें देख देख के और चर्चे सुन सुन के शादी करने का मन बना ही लेगा। बाकी आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो आप भी मन बना ही लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप बनाएं या ना बनाएं, एक चीज़ बस कर लेना कि ललन टॉप का जो पेज है फेसबुक पर लाइक कर लेना उसको, ऐसी वीडियोज़ अगर पसंद करते हैं तो इसको शेयर कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हो जो कि हो गई, नहीं हो तो बन जाओ, तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।